नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कहते हैं वक्त किसी का सगा नहीं होता, जो वक्त के साथ होता है उसका वक्त जरूर आता है, और जो वक्त की कदर नहीं करता वो बाजार से खोटे सिक्के की तरह बाहर हो जाता है। जी हां, महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात में वक्त किसके साथ है और किसके खिलाफ है इसका फैसला तो अगले कुछ दिनों में हो ही जाएगा, मगर फिलहाल वक्त को मापने वाली घड़ी को लेकर पवार परिवार के बीच महाभारत जरूर छिड़ी हुई है। साहेब और साहेबजादे दोनों का दावा है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पहला हक उन्हीं का बनता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों पर्दे के आगे और पीछे जो खेल चल रहा है उसे आप दूसरी जुबा में महानौटंकी भी कह सकते हैं। शरद पवार अंगार है, शरद पवार तुम संघर्ष करो, जोरदार ताळ्यामध्ये स्वागत झालं पाहिजे। आदरणीय अजित दादा तुम आगे बढ़ो, अरे अजित दादा तुम आगे बढ़ो। न साहेब जीते, न साहेब जादे हारे, न भरोसा जीता, न बगावत हारे, न चाचा जीते, न भतीजे हारे, न पवार जीते, न पवार हारे, क्योंकि न तो शरद पवार जीते और न ही अजित पवार हारे। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। उम्मीद थी कि बुधवार को पवार परिवार का पलड़ा एक तरफ झुक जाएगा, मुकाम की तरफ मुड़ेगी पार्टी, पर सर्वस्व वर्चस्व की लड़ाई और इस तरह तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे पावरफुल पवार कौन है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ यह कि पवार बनाम पावर के T20 का मैच पहले इंडियन पॉलिटिकल लीग में बदलकर टाई हो गया और फिर रोमांचकता की सारी हदें पार करता हुआ सुपर ओवर में पहुंच गया। इसकी शुरुआत पवार बनाम पवार के शक्ति प्रदर्शन के साथ हुई। शरद पवार की अगुवाई में जो बैठक हुई उसमें पार्टी के कुल 16 विधायक हाजिर रहे। उधर अजीत पवार गुट की बैठक में शामिल होने वाले विधायकों की संख्या 31 पहुंच गई। 6 विधायक किसी गुट की बैठक में शामिल नहीं हुए, इनमें नवाब मलिक अभी जेल में है। आंकड़ों में भले अजीत पवार फिलहाल अपने चाचा के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रहे हैं, मगर पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में उनका पेच फंस भी सकता है। अजीत पवार गुट शुरू से ही 35 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा था, मगर मुंबई में हुए शक्ति प्रदर्शन के दौरान उनका यह आंकड़ा कम रह गया। हालांकि उनके गुट का कहना है कि महाराष्ट्र में NCP के कुछ विधायक मौजूद नहीं है, मगर उन्हें उनका समर्थन प्राप्त है। अगर उनका यह दावा गलत साबित होता है तो NCP पर कब्जे की अजीत पवार की कोशिश फेल तो होगी ही, वो मुसीबत में भी फंस सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन के बाद शरद और अजीत की सियासी जंग अब पार्टी पर कब्जे की तरफ आगे बढ़ चुकी है। दोनों गुटों के इस जुबानी जंग में इसकी गूंज साफ साफ सुनी भी जा सकती है। अपने 2004 ला सगळे भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आर आर पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एवढं चांगलं काम आपण केलं की आपले 71 आमदार आले, काँग्रेसचे 69 आमदार आले, त्याच्यामध्ये सोनियाजींनी विलासरावांना सांगितलं की सगळ्यात जास्त जागा त्यांच्या आलेल्या आहेत, आता आपल्याला त्यांना मुख्यमंत्री पद द्यावं लागेल। देशाचा प्रधानमंत्री आज देशाच्या खुशी एक भाषण केलं मला तो भोपाळला मध्य प्रदेशमध्ये, आणि त्यांनी सांगितलं की काँग्रेस पक्षाने इतक्या लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 70 लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला, 70,000। आणि हे सांगत असताना राज्य सहकारी बँक आणि इथं फार बंदरचे खातं याचा उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कुठली विधानं आदेश असताना करणं हे शहाणपणाचं लक्षण। ये जंग पार्टी पर वर्चस्व की है और इस जंग में बाजी जिसके भी हाथ होगी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उसी का होगा और पार्टी की कमान भी उसी के पास रहेगी। यही वजह है कि दोनों गुट एक जैसी बुलंद आवाज में खुद को असली और दूसरे गुट को नकली NCP बता रहे हैं। आणि ते बसून
सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा, आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा दोन दिवसात काय घडलं कुणाष्टो, त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा। राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही। काय कशात काय कमतरता नाही, त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही, पण चिन्ह घेऊन जायचं असं तर कुठलंही चिन्ह असं जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या अंतर जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या अंतकरणामध्ये। अजित पवार ने बगावत तो रविवार को ही कर दी थी, मगर वो अब तक चाचा शरद पवार के सवाल पर जुबान खोलने से बच रहे थे। बुधवार को उन्होंने वो मर्यादा भी लांग डाली। अजित ने उनकी उम्र से लेकर फैसले तक पर सवाल उठाए। एकादा मानूस नौकरी मध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकार मध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो, ISIPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात, राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींचं उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या, तुम्ही कधी थांबणार आहात का? नाही, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना त्याच्या संदर्भामध्ये। आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही, बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ, एक सांगते, एक महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। अजित पवार ने अपने चाचा पर भड़ास तो खूब निकाली, मगर पार्टी पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए उनके खेमे में जितने विधायकों की दरकार थी उसे वो जुटाने में कम से कम अभी तक तो कामयाब नहीं दिख रहे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो और उनके समर्थक विधायक दल बदल कानून के दायरे में भी फंस सकते हैं। दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए पार्टी के दो तिहाई विधायकों का समर्थन जरूरी है। NCP के कुल 53 विधायक हैं, इस हिसाब से उन्हें कम से कम 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि उनके खेमे में फिलहाल 31 विधायक ही हैं। अब सवाल है कि अजित पवार बाकी बचे 6 विधायक लाएंगे कहां से? अभी तक 6 विधायक ऐसे हैं जो न अजित पवार के खेमे में दिखे ना ही शरद पवार के गुट में नजर आए, जिनमें से एक विधायक नवाब मलिक हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। इसलिए अगर अजित पवार को दल बदल कानून के दायरे से बाहर आना है तो सबसे पहले उन्हें बाकी बचे 5 विधायकों का समर्थन चाहिए, जो फिलहाल इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि पिछले 3 दिनों में अजित पवार के गुट में शामिल 3 नेता बगावत छोड़कर शरद पवार के खेमे में वापस आ चुके हैं। ये देखिए, अजीत पवार साहब के साथ बहुत सालों से काम किया है, जब से मैं पार्टी में आया हूँ तब से काम किया है। वो पूना के गार्डियन मिनिस्टर थे और एक अलग मीटिंग के लिए मैं वहाँ गया था तो ये लाजमी है मैं वहाँ उपस्थित था, लेकिन क्या ये निर्णय मुझे पसंद है? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे निर्णय पसंद है। और मैंने फौरन कल ही मैंने ट्वीट करके राधेरी ट्वीट करके बताने वाला मैं पहला बंदा था जिन्होंने ये बोल दिया कि मैं इस निर्णय के साथ नहीं हूँ और मैं पूरी तरह से आदरणीय पवार साहब के साथ खड़ा हूँ। देखिए, विधायक कहाँ पहुँचे, कितने पहुँचे, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, वो लड़ाई की शुरुआत आज से हुई है और बहुत ज़ोरदार शुरुआत हुई है। जो विधायक उधर गए हैं उन्हें और कुछ दिन के बाद पछतावा होगा कि हम लोगों ने गलती किया, और वो वापस आएंगे। अगर नहीं वापस आए तो वो चुन के आने की संभावना कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस तमाम सियासी महाभारत के बीच सिर्फ NCP के ही घर में आग लगी। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के शामिल होने से शिवसेना के शिंदे गुट के विधायकों को भी तगड़ा झटका लगा। कल तक जिनकी नजरें मंत्रिमंडल के फेरबदल में किसी मंत्रालय पर टिकी थी वो बेचारे अब बड़ा दिल रखने की बात कहने को मजबूर हैं। हमसे तो नहीं, लेकिन साहब से हुई होगी, इसलिए तो ये सब धमाका हो गया है। और ये सब दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब ने मिलजुल के
कर लिया है, इसलिए नो टेंशन। देखिए सरकार तो स्थिर थी, तो जरूरत क्या थी कि एनसीपी को शामिल? अरे राजनीति, राजनीति में कैसा कभी क्या हो सकता है उसका ये उदाहरण है, और देश के मजबूत के लिए ऊपर का एक करने के लिए ये सब हुआ है। अरे हम बहुत खुश है, हम जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, यही तो हमारी पहचान है। अब चिंता मत करो, मंत्री हम बने, नहीं कुछ दुख नहीं। देखो कोई पार्टनर अपने का संभव आता है, उन्होंने आए तो उनको बड़ापन देना भी चाहिए, उनको कुछ मंत्री पद देना भी चाहिए, ये प्रोसीजर का बात। उससे कुछ मंत्री की संख्या जरूर हमारी कम हुई, लेकिन उससे दूसरे कोई रास्ते नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ये बड़े लोग, उन्होंने सब सोच के रखा है। विधायकों की नाराजगी को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कमान संभालनी पड़ी। एक तरफ एनसीपी के दोनों गुटों के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में भी हलचल तेज हो गया है। कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार में एनसीपी के अजीत पवार गुट के शामिल होने से खुश नहीं है। ऐसे विधायक जिनकी नजर सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंत्री पद पर थी, उनमें से कई नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार भी एकनाथ शिंदे की राह पर ही दिखाई दे रहे हैं। अपनी सियासी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के बाद वो शिंदे की तर्ज पर ही अपने विधायकों को बांद्रा के ताज होटल में शिफ्ट करा चुके हैं। शाम ढलने से पहले एनसीपी की लड़ाई चुनाव आयोग के चौखट पर भी पहुंच गई। अजित पवार गुट ने अपने हलफनामे में करीब 40 विधायकों और सांसदों के समर्थन का दावा किया। वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग के सामने एक कैविएट दायर किया है, जिसमें गुजारिश की गई है कि पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। शक्ति प्रदर्शन के बाद एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई अब चुनाव आयोग में पहुंच गई है। दोनों ही गुट खुद को असली और दूसरे को नकली एनसीपी बता रहे हैं। ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीत जिसकी होगी, एनसीपी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह भी उसी का होगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी का दबदबा होगा। राहुल पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई।